Students, welcome to your science class. Today we are going to revise chapter number 11, that is forms of water. See, first point, the three forms of water are solid, liquid and gas. आपकी three forms of water कौन से होते हैं? Solid, liquid and gas. जिनको हम ice, water और vapor भी बोलते हैं. Second point, on heating, water changes into steam. जब भी हम water को heat करेंगे, तो जो आपका water है, वो steam में change हो जाएगा. Steam मतलब vapor. Third point is, on cooling, water vapor changes into water. अगर हम cool करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, अगर आप ice को बाहर रखोगे, तो वो कैसा form ले लेगा आपका? Water का form ले लेगा. और फ्रीजिंग, फ्रीज, अगर हम फ्रीज करते हैं पानी को तो वो कौन सा फॉर्म ले लेता है हमारा? आइस का. इट मींस सॉलिड. फिफ्थ, इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म. जो आपका नेचर है उसमें जो वाटर है वो हर टाइम पे अपनी फॉर्म को क्या करता है? चेंज करता रहता है. वाटर इज हीटेड बाय द सन एंड क्लाउड्स आर फॉर्म. जो पानी आपका सन की रेस से गर्म होता है उसी से हमारे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं. और उन्हीं क्लाउड्स से क्या होती है? रेन होती है. That was a quick revision of your chapter 11. Go through this if you have any doubts.